दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आखिरी समय में बदला राज्यसभा का गणित। इसके बाद केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल की मेहनत हो गई बेकार। पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से मांगा था समर्थन। मोदी सरकार पर लगाए थे तानाशाही के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में दिया था फैसला, लेकिन अध्यादेश लाकर पलट दिया मोदी सरकार ने फैसला। अब राज्य सरकार में भी हो जाएगा अध्यादेश पास, बन जाएगा कानून। विपक्षी पार्टियों के समर्थन से नहीं बना काम। इंडिया के सभी दलों ने किया समर्थन, लेकिन इन दो पार्टियों ने पूरा खेल कर दिया खराब। किन दो पार्टियों ने केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया? अब राज्यसभा का समीकरण क्या कहता है? आम आदमी पार्टी का क्या होगा? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इन दलों ने किया मोदी सरकार का समर्थन। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाना चाहती है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार होगा। विपक्ष को उम्मीद थी इस विधेयक को लोकसभा में न सही तो राज्यसभा में पूरा दम दिखाकर पारित होने से रोका जाएगा। लेकिन जब जगमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने इस बिल पर मोदी सरकार के समर्थन करने का ऐलान किया तो अब विपक्ष की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बीजेडी के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं। इनके समर्थन के साथ बीजेपी को राज्यसभा में पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा आराम से हासिल कर लेगी। किसी भी खेमा को जीतने के लिए चाहिए इतने वोट। इस समय राज्यसभा में 238 मेंबर हैं, 7 सीटें खाली हैं। विधेयक को पारित कराने के लिए सदन के कुल संख्या बल का आधा समर्थन होना चाहिए, यानी 119 वोट। विपक्षी खेमे में अगर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को भी जोड़ लें तो उनके पास 110 से भी कम सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में केजरीवाल के साथ और खिलाफ में कौन कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए बीते दिनों अलग पार्टी नेताओं से मिल रहे थे। आंकड़ों का समीकरण केजरीवाल के पक्ष में नहीं। राज्यसभा में बीजेपी के पास 92 सांसद हैं, जिनमें से 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। एनडी के पास कुल 103 सांसद हैं। एआईएमएडीएमके के पास 4 सांसद हैं। आरपी अठावले, असम गण परिषद, पट्टाली मक्कलकाची, तमिल मनीला कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के पास एक एक सांसद हैं। बीजेडी और वाईएसआर के पास 9 सांसद हैं, यानी 18 सदस्यों का समर्थन बीजेपी के पास है। मोदी सरकार के पास अब तक के गणित के हिसाब से 121 का संख्या बल है। बीएसपी, टीडीपी और जेडीएस जिनके पास एक एक सदस्य है वो भी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। केजरीवाल ने समर्थन के लिए झोंकी थी पूरी ताकत। इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से मांगा था समर्थन। अपनी राजनीतिक दुश्मन कांग्रेस की तरफ भी हाथ बढ़ाया। कांग्रेस ने अपना समर्थन भी दे दिया था। इंडिया के तमाम दल केजरीवाल के समर्थन में आ गए, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस, नवीन पटनायक ने पूरा खेल खराब कर दिया। देवगौड़ा से भी मांगा था समर्थन। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की थी और दिल्ली को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में उनसे समर्थन करने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख एचएन चंद्रशेखर की अगुवाई में राज्य के पार्टी नेताओं ने देवगौड़ा से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के नेता इस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए प्रस्तावित विधेयक को राज्यसभा में गिराने के लिए गैर भाजपा दलों से समर्थन की कोशिश में पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन अब पूरा समीकरण केजरीवाल के खिलाफ हो गया है।